यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाओ और डिजाइन व्यू में जो ये दिख रहा है आपको टिक मार्क, अगर ये टिक मार्क लगा दूं और फिर वापस व्यू में आओ तो सिंगल व्यू में देखिए कि यहाँ पे स्टार और टेबल अमाउंट आ गया। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे उस तरह से वहां पे भी आपका सिंगल कोड जनरेट होते जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग बनाइए, मुझे मेल कीजिए, जो क्यूरी आपको समझ में नहीं आती है वो क्यूरी मुझे बताइए, लेकिन किसी के तरफ से मेल नहीं आया मुझे। तो चलिए आज हम आपके साथ कुछ सिक्कुल क्यूरी को पढ़ते हैं और कुछ सिक्कुल क्यूरी को समझते हैं। हेलो वैभव जी, हेलो। हाँ मैं आज आ रही है आपको? आ रही है सर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास जब आज हमारी बात हुई थी, मैं आपका वेट कर रहा था आप लोगों का, कि हमने बोला था कि इसमें व्यू में आप जाए और हमने बोला था कि इसकी हर एक क्यूरी को मैनुअली क्यूरी लगाए और सिक्कल क्यूरी को सर्च करें, बोले कि जो प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन किसी के तरफ से फेल नहीं आया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे आप लोगों को देखने के लिए, देखा आप लोगों ने? हाँ सर देखता है। एक्सेस एंड सिक्कू ने कुछ वीडियो भेजे थे देखने के लिए। सर मेरे पास नहीं आए। सर लिस्ट में आपका नाम होगा तो जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए मेरे आईडी से नहीं गया था, गूगल ड्राइव से गया था सर। अगर गूगल ड्राइव में शेयर किया आपने या कैसे किया? लंबा वीडियो था तो गूगल ड्राइव में ही शेयर करूंगा ना सर। सर माजा में करके उसके मैं गूगल ड्राइव देखा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम अलग 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 एंगल से समझने की कोशिश करते हैं सिक्कल सर्वर को। जैसे कि आपका टेबल है, अब ये छोटा टेबल है, एक मिनट में बड़ा टेबल लेता हूँ, जाइए एक बड़ा टेबल लेता हूँ तो सही रहेगा। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, अगर इस पे क्रिएट में जाता हूं, डिजाइन क्यूरी, और फिर यहां पे टेबल टू को सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूं, उसके सिक्कल व्यू में जाता हूं। अब जैसे कि सिलेक्ट कमांड की हम पहले बात करें, हम यहां लिखते हैं सिलेक्ट स्टार, मतलब कि स्टार इट मींस ऑफ फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नेम लिखने का तरीका ये है टेबल, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दें, जिससे क्या होगा कि आपकी सिक्वल, जिससे आपको उसको पता चलेगा कि हाँ टेबल। और सॉरी फ्रॉम का स्पेलिंग की मिस्टेक हो गया, फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, रन करने में आपका डेटा दिख रहा है इसमें। अब इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज मैं पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कुछ सिलेक्टेड कॉलर, जैसे कि मैं चाहता हूं फुल नेम, मैं चाहता हूं सैलरी, मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट, और मैं चाहता हूं मंथ। तो फुल नेम में यहां देखिए क्या स्पेस डला हुआ है, तो जब यहाँ पे अगर सिक्वल क्वेरी राइट करेंगे, अगर स्पेस प्रॉब्लम हो तो उसको आप जो है बड़ी ब्रैकेट में डालें तो आपके लिए सही रहेगा। क्लिक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा फुल नेम जो नहीं है उसको, जिसमें स्पेस नहीं है उसको डालने की जरूरत नहीं है, सैलरी लेकिन डाल भी सकते हो, डालने से कोई नुकसान नहीं होगा।
टू डिपार्टमेंट एंड मंथ। तो इस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहिए तो यहां पे आपको मैनुअली फील्ड का नेम देना पड़ेगा, तब जाके जब क्यूरी रन होगी। तो अब यहां डिपार्टमेंट जो है इस पे स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा डिपार्टमेंट टी नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट ब्लैंक आ गया, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा। तो इस तरह का अगर बॉक्स पूछ गया मतलब कि वो जो फील्ड आप दे रहे हो वो फील्ड उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, राइट। तो ये तो आपका हो गया कि आप किसी को किसी पर्टिकुलर फील्ड वाइज लेके आएंगे, और यहाँ आ गया आपका टेबल का पार्ट। अब बात करते हैं इसमें की कंडीशंस के। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इसका डेटा में से, मैं पूरा डेटा नहीं चाहिए, मैं सिटी में मुझे सिर्फ जो चाहिए वो पटना का डेटा चाहिए। तो कंडीशंस SQL क्वेरी में कंडीशंस लगाने के लिए हम वेयर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लिखा वेयर और हमने बोल दिया कि सिटी इज इक्वल टू पटना, और सेमीकोलन दे देते हैं, ये आपने कर दिया। और यहां से अब इसको क्लोज करें, आपके पास अब इसको हम रन करें तो सिर्फ पटना है, और सॉरी सिटी कोड है, दिक्कत हो गई थोड़ी सी। इसमें सिटी अंडरस्कोर कोड, उसको यहां सब सेव कर, यहां आपके पास आ गया। लेकिन मुझे यहां पे अब यहां पे देखिए मुझे चाहिए, जो हम सिटी ले रहे हैं हमें दो सिटी का कंडीशन चाहिए। तो यहां पे आप दो सिटी का कंडीशन देने के लिए SQL में यहीं पे आप जो है और का कमांड लगा सकते हैं, और क्योंकि ऑप्शनल है। और हमने यहां पे दिखा बोला सिटी कोड, सिटी अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर कोड इक्वल टू ए जीजीएम भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको यहां से हम सेव करते हैं और इसको आप रन कीजिए तो ये आपका सिटी में ये आपका जीजीएम का भी डेटा दे रहा है। तो कंडीशन इस तरह से लगा सकते हो, आप चाहते हो कि दो कंडीशंस, दो कंडीशंस में, और इसी तरह से आप अपना एंड का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, एंड और। तो इसमें कंडीशंस लगाने आपको आ गया, एंड और दोनों लगा के, कोई डाउट सर इसमें आप लोगों को? वैभव जी कोई डाउट? इसमें तो हम डिफाइन करें, प्री डिफाइन करें कि पटना एंड गुड़गांव। सपोज मैं प्री डिफाइन नहीं करता हूँ तो उसके लिए वो मिस्टर पूछता, इसके लिए हमने बताया था आपको ना मैंने कि इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्वेश्चन मार्क दे देना है, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन मार्क अगर आप दे देते हो तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपका पॉपअप, जैसे रन करोगे तो पॉपअप देगा और पूछेगा इसमें क्या होना चाहिए, तो आप डाल दीजिए। या कोई फॉर्म से लिंक करना चाहते हो तो हमने फॉर्म से लिंक भी कर लिया था, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूं मंथ के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सॉर्ट करने के लिए कि ऑर्डर, सॉरी गलती हो गई, यहां से नीचे, इससे नीचे तो नहीं, लिखेंगे ऑर्डर बाय मंथ और यहां पे ASC असेंबली,
ठीक है, और इसको सेव करते हैं। समझ लीजिए मंथ के हिसाब से ये असेंडिंग में आ गया। डिसेंडिंग करना है तो DIS कर दीजिए, DES कर दीजिए और डिसेंडिंग करना है। ठीक है, अब इसमें आपको दो करना है मुझे, इसमें हमें जो सॉर्ट ग्रुप सॉर्ट करना है वो हमें दो के हिसाब से करना है। ये हमने यहां पे दे दिया कि ऑर्डर बाय टेबल टू, यहां पे मंथ के अकॉर्डिंग। मैं यहां पे चाहता हूं दो शॉर्ट करना, तो इसकी मैं चाहता हूं कि ये यहां पे सैलरी जो है वो डिसेंडिंग हो जाए, तो मैं यहां पे सैलरी को लिखूंगा और सैलरी स्पेस हम लिखेंगे DESC और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक और एक से ज्यादा की शॉर्टिंग भी आप दे सकते हो। ठीक है, देखिए सैलरी में सबसे बड़ा सैलरी पहले आया, छोटा सैलरी नीचे आया। तो आपने स्लैक कमांड में लगाया, पर्टिकुलर कॉलम वाइज लगाया, फिर आपने यहां पे अपना ये लगाया, क्या बोलते हैं, कंडीशन भी लगा दिए। अब इसमें बात आती है कि हम यहां पे जो है कुछ कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं, जैसे मंथ के बाद हम यहां पे टोटल सैलरी चाहते। ठीक है, तो मैं यहां पे टोटल लिखूंगा, टोटल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल कोट, नहीं बड़ी ब्रैकेट में, माफ कीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट में मैं लिखूंगा टोटल। ठीक है, और यहां पे कॉलन होगा और यहां पे मैं दूंगा कि सैलरी, सॉरी सैलरी प्लस प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। प्लस ठीक है, इसको क्लोज कर, और यहाँ ये सिंटैक्स एरर है, माफ कीजिएगा, ये सिंटैक्स एरर है, ये बताता हूँ क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम सर्व कर देते हैं, डेटा आता है यहाँ पे, क्या टोटल नहीं दिखा, ठीक है। तो इसका जो यहां व्यू में जाके देखें, सिंपल व्यू में यहां पे होता है टोटल। अब यहां पे हम गलत लिख रहे थे, यहां पे लिखना होता है जैसे कि आप कोई फील्ड देना चाहते हैं तो सैलरी, अपना कैलकुलेशन जो कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उस कैलकुलेशन को कीजिए और यहां पे आ जाता है एज ए टोटल। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे कि आपका ये टोटल आ गया, इसमें कैलकुलेशन होगा। तो इसमें दो चीजें हो गई, आपने इसमें कंडीशन लगाना सीखा, आपने इसको सॉर्टिंग करना सीखा और आपने इसका टेबल का नाम लेना सीखा और खुद से नई फील्ड बनाना भी सीखा। ये हुआ नई फील्ड बनाने के, ऐसा फील्ड जो कि डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है और उसको आपने क्रिएट किया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो आप लोग जो है इसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इस तरह की सिक्वल क्वेरी बना के मुझे मेल करें। कल हम आपके पास बताएंगे कि समराइजेशन और जो एसक्यूएल के फंक्शंस है वो फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करें।
और उसकी ऑपरेटर्स है, हेलो ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करें। हाँ जी सर, इसमें टोटली मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं सही से, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एडिशन का ये नई फील्ड है। हाँ ये अलग है। बेसिकली क्या हुआ कि हमने तीन फील्ड को टोटल कर लिया, तो तीन फील्ड को टोटल करने के लिए आप यहाँ पर तीनों फील्ड का नाम दे दिया एज ए टोटल, मतलब कि बाहर जो है क्या प्रिंट होगा, बाहर जब खोलेंगे तो टोटल प्रिंट हो रहा है ना, तो क्या प्रिंट होगा वो आपको यहाँ पे सिंपल, और इसमें प्लस ही नहीं जो मर्जी शो कर सकते हैं आप, ओके ठीक है। सर, ये भी हाँ मैं कर देता हूं सर अभी। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।